सुरक्षा बलों ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंजगाम और साहिमोई त्राल क्षेत्र में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का पता लगाया। दोनों को ही बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। पुलिस ने कहा कि इनपुट प्राप्त हुए थे कि आतंकवादी आईईडी हमलों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अवंतीपुरा और त्राल क्षेत्र में दो अलग अलग जगहों से तेजी से दो आईईडी बरामद किए गए और पुलिस और सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घटना को टाल दिया। R9 भारत के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज यहां मिनी सचिवालय अरहामा शॉपिंग के बैठक कक्ष में कोविड-19 प्रबंधन एवं संभावित तृतीय लहर के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। CMO डॉक्टर आशीष टाक ने कहा एक बड़ी टीम समुदाय के प्रसार या प्रवासियों की आमद होने पर मददगार होगी। उन्होंने कहा कि किस तरह से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रतिभागियों को क्रिटिकल केयर में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें SOP और विभिन्न उपकरणों का संचालन शामिल है। प्रतिभागियों को सभी संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित जाता है, यानी विशेषज्ञ चिकित्सक के आने तक रोगी के जीवन को बनाए रखने के लिए। R9 भारत के लिए मीर शाहजाद की रिपोर्ट।